अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइबर और दोस्तों को मेरी तरफ से आज मैं बड़ी सिंपल सी रेसिपी आपको बताने वाला हूँ। वाइट कढ़ाई चिकन, गोश्त की वाइट कढ़ाई। तो हम लेंगे बोन चिकन, जिसकी हम वाइट कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खान ट्रेवल स्टोर हैं आज वाइट कढ़ाई, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हम बनाने जा रहे हैं वाइट कढ़ाई बोनलेस चिकन का। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वाइट कढ़ाई की रेसिपी। और ये बोनलेस चिकन है मेरे पास 800 ग्राम। तो चलें शुरू करते हैं। ये कढ़ाई पैन ले लिया है, अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। ऑयल हमने लिया है तकरीबन 3। और ये बोनलेस है, इसमें कोई हड्डी नहीं है। इसमें आप थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे इसमें। और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गोश्त को। ये हमने धनिया पुदीना हरी मिर्चे और फ्राई प्याज भी हैं, जिसे हम थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे जूसर में। जो ग्राइंडर है हमारा, उसमें ग्राइंड करके हम इसका ये हमारा चिकन जो है फ्राई हो रहा है। और ये जो गोश्त का पानी है, इसके खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। हमारे चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो गया है। हमारे पास ग्रीन चिली और धनिया पुदीने का जो पेस्ट था और फ्राई प्याज, वो हमने डाल दिए इसमें। ये फ्राई प्याज, धनिया पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद अब हम डालेंगे जीरा, साबुत जीरा। अच्छा, जो पेस्ट हमने डाला है उसका पानी जो है उसके खुश होने तक इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे गोश्त को। ये हमारे पास योगर्ट डाल दिया, दही जो है ये तकरीबन हमने लिया है 500 ग्राम करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह मुलायम हो जाए और बाद में मलाई कढ़ाई के लिए या वाइट कढ़ाई के लिए इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह शेक करेंगे। हमारा जो योगर्ट है वो हो गया है और हमें इसी तरह चाहिए। ये इसमें गोश्त में शामिल करते हैं। हमारे चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो गया है, अब इसमें दही डालने का टाइम आ गया है। शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम इसके साथ, हमारा गोश्त भी अच्छी तरह टेंडर हो गया है, क्योंकि इसमें जो पेस्ट का पानी था और गोश्त का पानी था वो पक गया है। और अब इसमें जो है हमने योगर्ट शामिल कर दिया है, अब वो भी पक जाएगा योगर्ट। दही जो है अच्छी तरह पकेगा, दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। ये एक अदद शिमला मिर्च शामिल करेंगे हम इसमें। ये इसमें हम गरम मसाला जो है उसका पाउडर शामिल करेंगे थोड़ा सा। ये ज़ीरा पाउडर शामिल, थोड़ा सा कोपरा शामिल करेंगे हम। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें बालाई शामिल करेंगे, क्रीम। बालाई क्रीम जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें। हमारी बॉक्स रेडी हो चुकी है बिल्कुल, और सर्व के लिए, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है।